अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, वालेकुम अस्सलाम। तो आज हम अपना फर्दर लेक्चर हम स्टार्ट करती हैं पेडागोजी का, फॉर लेक्चरर एफपीएससी और हेडमास्टर और एडमिनिस्ट्रेट और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। इसके अलावा एसएसटी जनरल के लिए भी ये पोर्शन काफी इम्पोर्टेंट है, और आज एफपीएससी कैट भी आया तो उसमें अगेन आपकी सीट्स आई हैं लेक्चरर की और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की भी आई हैं, तो वो आप अप्लाई भी कर सकती हैं। तो चूंकि अब न्यू सीट्स भी आ गई हैं उसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं, दोनों के लिए सीट्स आई हैं तो आप दोबारा अप्लाई कर सकती हैं। तो आप फिर जानती हैं कि पैडागोजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है फॉर एफपीएससी लेक्चरर या ट्रेड ग्रेजुएट, जो भी एग्जाम होता है रिगार्डिंग टू टीचिंग केयर, तो उसमें पैडागोजी का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले आपने अप्लाई किया और अभी तक उसका टेस्ट नहीं होगा, वो मार्च या अप्रैल में टेस्ट है, उसका हो जाएगा। अब एक प्लस पॉइंट आपको और मिल गया है कि अब दोबारा फिर सीट्स आ गई हैं, इस पर भी आप इच्छा तला अप्लाई कीजिएगा और पैडागोजी का जो सेशन हमारा स्टार्ट होगा ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि ये फाइल में मैं जैसे जैसे चीज़ें मुझे मिलती जाएंगी मैं नोट्स ऐड करता चला जाऊंगा। तो आज हमने कुछ और नोट्स ऐड की हैं, तो सबसे पहले वो पढ़ लेती हैं और फिर आज का अपना जो लेक्चर हमारा टॉपिक है डिमोन्स्ट्रेशन मेथड वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है? तो ये आउटलाइन है इसको आपके देख लीजिएगा। आप जानती हैं कि पैडागोजी में हम टीचिंग के बारे में वो पढ़ते हैं कि बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, ये हमने देखा था। तो आज हम देखते हैं कि टीचिंग क्या होती है। द वर्ड टीचिंग इज डिराइव फ्रॉम, ये इस वर्ड से ड्राइव होगा टू टीच, और टू टीच का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, रहनुमाई करना, इस वर्ड ड्राइव होगा टीचिंग का, यदि बना होगा। टीचिंग इज द प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल मेक समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल। अब ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचिंग का मतलब है, फिर आपने एसएसटी के लिए अप्लाई किया होगा, देखिए ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीचिंग जो होती है वो सिर्फ ये नहीं होता कि स्कूल में एक टीचर होता है, बंदा होता है पढ़ाने वाला और आगे स्टूडेंट बैठे होती हैं वो टीचर होता है। टीचर एक प्रोसेस है, जो टीचिंग है वो सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहा है और उसके क्लासरूम में जाता है बच्चों को पढ़ाता है वो टीचर है, नहीं। टीचिंग क्या? टीचिंग इज द प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल मेक समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल। अगर आप घर पे बैठे हुए हैं, घर बैठे हुए अगर आप अपने किसी दोस्त को, भाई बहन को, कजन वगैरह को आप कुछ चीज सिखा देते हैं, कुछ चीज बताते हैं, उसके इल्म इजाफा कर देती हैं, तो वो आप क्या कर रही होती है? आप टीचिंग कर रही होती है उसको। तो इट मीन्स आप उस वक्त टीचर होती हैं और वो आपका स्टूडेंट होता है। तो ये भी एमसीक्यू पेपर में आता है कि टीचर क्या होता है, तो आपने बताना है ये टीचर सिर्फ स्कूल तक बाउंड नहीं होता, बल्कि जो जब भी आप जब के कभी जहाँ कहीं अगर आप किसी को किसी के लिए इजाफा करते हैं तो आपको क्या होती है? आप उसके टीचर होते हैं। इन नैरो मीनिंग टीचिंग इज बाइपोलर प्रोसेस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप नैरो मीनिंग की बात करें यानी कि लिमिटेड मीनिंग की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि टीचर और स्टूडेंट इन दोनों को क्या क्या कहती हैं? टीचिंग कहते हैं। अगर ब्रॉडर मीनिंग में बात करें तो हम बोलेंगे टीचर ट्राईपोलर प्रोसेस होता है, इसमें स्कूल टीचर भी होते हैं, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होते हैं और सिलेबस भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि यहाँ पर ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पे बात की गई है। टीचिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ द एजुकेशन, ये भी आप सिखवा सकते हैं। टीचिंग इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो के दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच, ये क्या होती है? कम्युनिकेशन होती है। वो इन्फ्लुएंस ईच अदर बाय आइडियाज एंड कुछ ना कुछ भी बंदा क्या करता है? इससे सीखता है। टीचिंग इज द प्रोसेस नॉट एन इवेंट।
इवेंट का मतलब होता है कि जो हादसा होता है, तो टीचिंग एक हादसा नहीं होता, यानी कि ये नहीं कह सकता कि आपको कोई बाय चांस आपको कोई बात पता चल जाए, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ पर प्रोसेस के थ्रू आपको पूरा ताकि नॉलेज दिया जाता है, उसको टीचिंग बोलते हैं। जैसे कि आप बुजुर्ग हैं आपके, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी होगी, उन्होंने सारी चीजों को फेस किया होगा, है तो जब वो आपसे कोई बात बोलेंगे तो वो उनकी बात सही होगी, क्योंकि उन्होंने उनके पास तजर्बा होता है, यानी कि वो प्रोसेस से गुजर के आई है, उनके पास नॉलेज है। ये नहीं है कि कोई ऐवी हादसाती तौर पर कोई टीचर बन जाता है, हादसाती टीचर नहीं होता, बल्कि एक पूरा प्रोसेस होता है। बहुत टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, तो टीचिंग में ये नहीं होता है कि सिर्फ स्टूडेंट्स लर्न करते हैं, टीचिंग में टीचर खुद भी लर्न करता है, ये भी आप सीखवा सकता है। टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है, फॉर्मल वो भी होता है कि स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, और इनफॉर्मल होता है कि जिसका कोई टॉपिक वगैरह ना हो, रैंडम जिसे आप कहते हैं, रैंडम गुफ्तगू जिसे हो रही है वो इनफॉर्मल होती है, और सिस्टमेटिक जो होती है, जिस तरह स्कूल कॉलेज में हम जाहिर है एक पैटर्न के तहत चलते हैं, सिलेबस को कुरिकुलम को फॉलो करती हैं, तो वो फॉर्मल होती है। और ऐसे अगर आप बैठे बैठाए किसी बात पर डिस्कशन कर ली है, कभी आपने कोई और डिस्कशन इधर कर दी, बातों में से बातें निकलती चली जा रही हैं, वो क्या होती है, वो इनफॉर्मल होती है। टीचिंग इज आर्ट, क्राफ्ट एज वेल एज साइंस, टीचिंग एक साइंस है, बच्चों को पढ़ाना, अपना नॉलेज ट्रांसफर करना, ये कोई आम बात नहीं होती, हर बंदा अपना नॉलेज ट्रांसफर नहीं कर सकता। टीचिंग में क्या होता है कि आपने बच्चों को समझाना है, आपने बड़े ऐसे देखे होते हैं कि जो जिनके पास नॉलेज तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो अपनी बात को कन्वे करना उनको नहीं आता, तो इसलिए क्या, टीचिंग एक साइंस है। टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी एंड इट इज इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, तो ये क्या होती है, एक पूरे प्लान के तहत हम टीचिंग करवाते हैं कि और आपने ये सिलेबस करवाना है, आपने ये चीजें पढ़ानी है, क्यों पढ़ानी है, ये सारा कुछ वो किया जाता है, और ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, या तो सवाल है तो पूछ सकती है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज टीचर, कि टीचर क्या होता है। टीचर इज अ पर्सन हु फैसिलिटेट एजुकेशन फॉर एन इंडिविजुअल। टीचर टीचर क्या होता है, जो एजुकेशन देता है उसको हम बोलते हैं टीचर। अब जाहिर है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं होगी, जहाँ पर आप किसी को नॉलेज कन्वे करते हैं तो वो क्या होते हैं, आप टीचर होते हैं। अ टीचर इज अ पर्सन हु हेल्प्स पीपल टू लर्न, अ टीचर ऑफन वर्क इन अ क्लास क्लासरूम, तो यानी कि आप टीचर टीचिंग को या टीचर को आपने तालीमी इदारों को तक महदूद नहीं करना, तो ये कोर्स हमने पढ़ लिया था, बाकी तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मैंने ना जरा डिटेल में, मैं आपको पता है मैं नहीं जाता, सिर्फ क्योंकि हमने एमसीक्यू पेपर की तैयारी करनी है ना, तो कोई किसी सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करनी है, वरना तो उसमें बहुत कुछ चीजें आ जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, क्या होता है करिकुलम कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो उधर आपने सिर्फ वही चीजें करनी है जो पेपर में एमसीक्यू टाइप आ सकती हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा बेसिक से मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। तो हमने दो मेथड हमने पढ़ लिए थे, लेक्चर मेथड पढ़ लिया था, एक और मेथड था उसका नाम क्या था, डिस्कशन मेथड, और अब हम तीसरा मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब नाम से ज्यादा अगर आपको इंग्लिश का मीनिंग आपको बता रहे हैं, ये डिमोन्स्ट्रेशन क्या होती है, करके दिखाना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिमोन्स्ट्रेशन बोलती हैं। तो ये डिस्कशन मेथड हमारा हो गया है, मेरा दिल था कि आज आपको एमसीक्यू करवा देता डिमोन्स्ट्रेशन मेथड के, लेकिन लेट हो रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो इसको फिर हम बाद में रख लेंगे, क्योंकि वो सारी सेटिंग वगैरह भी करनी, और अभी आप देख भी सकते हैं काफी कुछ सेटिंग अभी तेज रखनी हो रही, तो फिर बाद में आपको खुद बहुत होती चली जाएगी। तो आज हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, एंड पे वो फाइल होगी क्या, और ये तकरीबन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हम मेथड करेंगे,
नाम है डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है, सबसे पहले द वर्ड डिमोन्स्ट्रेशन मीन, डिमोन्स्ट्रेशन मीन का मतलब क्या होता है, ये पेपर में आ सकते हैं, तो इनको आपने याद रखना होता है। टू गिव डेमो आर टू शो प्रैक्टिकली, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमोन्स्ट्रेशन बोलती हैं। डिमोन्स्ट्रेशन इज एन आर्ट ऑफ शोइंग समथिंग बाई गिविंग प्रूफ और एविडेंस। यहाँ पर आप एविडेंस के साथ बात करती हैं कि जो बात जिस तरह पढ़ा था ना कि लेक्चर मेथड में जस्ट आप वर्बली बोलती हैं, वो स्टूडेंट सुनते रहती हैं, तो ये जो होता है लेक्चर मेथड उसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर बोलता है, वो स्टूडेंट सुनता है, और जो टीचर है वो क्या करता है, व्हाइट बोर्ड यूज करता है या ब्लैक बोर्ड यूज करता है। डिमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि अगर आपने बच्चों को पढ़ाना है, तो जैसे फॉर ए फॉर एप्पल है, तो ए फॉर एप्पल आपने उनको एप्पल दिखाना भी है। अब वो एप्पल आप उनको चार्ट के जरिए भी दिखा सकती हैं, उनको वीडियो भी दिखा सकती हैं, कोई मतलब है जो कोई चीज तरह की आप एक्टिविटी उनको करवा के दिखा सकती हैं। एक्टिविटी तो खैर इसमें नहीं आता, जस्ट आप ना कोई प्ले कार्ड हो गया, तो वो फिर इसमें आ जाता है, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड में आ जाता है। ठीक है, इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग यूज्ड टू कम्युनिकेट एन आइडिया विद द एड ऑफ विजुअल सच एज फ्लिप चार्ट, वीडियोस, पोस्टर या पावर पॉइंट, इसको हम पीपीटी बोलती हैं। तो ये सारी चीजों को यूज करके आप बच्चों को जब पढ़ाती हैं, तब वो क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। डॉक्टर सीमैन ए नैप इज नाउन एज द फादर ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिन्होंने इस मेथड को वो इन्वेंट किया था। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सी, यहाँ पर सी भी होता है, लिसनिंग भी होती है और समझ भी होती है। लेक्चर मेथड में क्या हो रहा था कि बस टीचर बोली जा रहा, स्टूडेंट सुन रहे हैं, यहाँ पर आप देखते भी हैं। अब आप बोलेंगे लेक्चर मेथड में स्टूडेंट देखते हैं, देखना तो हर सूरत में आज स्टूडेंट है, चाहे जो मर्जी हो जाए, यहाँ पर देखने से मुराद ये है कि वो अटेंटिव होकर देखते हैं, वो चीजों को वो उसके दिमागी तौर पर हाजिर होता है। लेक्चर मेथड में वो दिमागी तौर पर हाजिर नहीं होते, आप बैठे होते हैं स्टूडेंट, लेकिन उनका जो माइंड है वो कहीं और चला गया होता है। तो यहाँ पर सी का मतलब क्या होता है, वो दिमागी तौर पर अटेंटिव होते हैं, जो आप चार्ट वगैरह वीडियो वगैरह देख रहे होती हैं वो मेंटली उसको पसंद करती हैं। इफ अ लर्निंग टास्क इज रिस्की, अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकली तो उनको हम नहीं करके दिखा सकते, जैसे अगर आप सूरज की टेम्परेचर की बात करें, अब कौन बंदा सूरज के पास उनको लेके जाए बोले कि देखो कितना टेम्परेचर है। सोलर सिस्टम की बात करें, अब कौन बंदा स्टूडेंट को सोलर सिस्टम लेकर जाए उनको दिखाए, ये देखो ये अर्थ है, ये मून है, ये सन है, ये सारे प्लैनेट्स है, ये चीजें हम नहीं दिखा सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। या कोई ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट उनको करके दिखाना है, या ऐसा कोई वो टॉपिक पढ़ा रही है, तो जो करने में वो रिस्की होता है। तो जैसे एक है प्रीडेटर और प्रे, प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को और प्रे कहती है शिकार होने वाले को, ये मैट्रिक बुक में आपने पढ़ा होगा, तो इसके डिफरेंट रिलेशनशिप होती हैं। तो अब आप ये अगर आपने रिलेशनशिप बताना है कि शिकार जो शिकारी है वो किस तरह शिकार करता है, तो प्रैक्टिकली तो आप नहीं ना दिखा सकते कि आप उनको वो सामने वो मतलब दिखा दें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह फिर आप उनको क्या कहते हैं, जहाँ पर आप उनको कोई वीडियो दिखा दें, उनको चार्ट दिखा दें, तो या फ्लिप करते उस तरह की कुछ चीजें दिखा दें, तो उसके लिए फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बेस्ट होता है। क्लियर ये पॉइंट है, इफ अ लर्निंग टास्क इज रिस्की आर कम्प्लेक्स टू लर्न, के लेक्चर मेथड वहां पर फेल हो जाए, डिस्कशन मेथड वहां पर फेल हो जाए, फिर वो हेल्पफुल कौन सा होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ज्यादा हेल्पफुल होता है। टीचर डिमोन्स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन ईच स्टेप एंड क्लियर डाउट ऑफ स्टूडेंट्स इफ एनी। क्लियर है यहाँ तक, कुछ सवाल है तो पूछ लें। यस मैम बताएं। आप चारों स्टूडेंट एफपीएससी की तैयारी कर रही है ना, अगर आप नहीं भी कर रहे तो आप जाहिर है कि जो सीट्स आई उनके लिए आपने अप्लाई तो करना है, तो अब फ्यूचर के लिए आपने वो इसकी तैयारी पढ़ना तो पढ़ना ही आपको। बाकी स्टूडेंट्स को बता दें, फिनिश, परियम और अरोसा, क्लियर है यहाँ तक?
आई थिंक वो क्लास में नहीं है। चले ठीक है। स्टूडेंट्स एक्वायर रियल नॉलेज विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन। डिमोन्स्ट्रेशन में एक्सपेरिमेंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सिर्फ आपको विजुअल दिखाई जाती हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, खुद करना, कि अगर आप बोलें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो एक्सपेरिमेंट को खुद मिलाती हैं स्टूडेंट, तो वहां पर स्टूडेंट खुद पानी बनता हुआ देखते हैं, वो खुद बनाते हैं, तो ये होता है एक्सपेरिमेंट। जिस तरह अगर आप वो अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है तो आपने सिंपल पेंडुलम आपने वो पढ़ा होगा, तो सिंपल पेंडुलम का जो एक्सपेरिमेंट है लैब में वो बगैर स्टूडेंट का खुद करते हैं, वो होता है एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ पर ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा होता, यानी कि स्टूडेंट खुद नहीं करते, बस उनको चार्ट वगैरह दिखाई जाती हैं या उनको वीडियोज वगैरह या पीपीटी वगैरह उनको दिखाई जाती हैं कि ये इस तरह होता है, तो यानी कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं आता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिमोन्स्ट्रेशन मेथड के नाम से आप ये कंफ्यूज ना हो जाइए कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रही है, यहाँ पर स्टूडेंट लर्न करते हैं लेकिन विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन। टीचर यहाँ पर फैसिलिटेटर होता है एंड एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर इन द डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिमोन्स्ट्रेटिंग द स्टेप बाय स्टेप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये नहीं होता कि आप बस ना चार्ट आप लेके आ गए या वीडियो लेकर आ गए, आप उनको बस दिखा दिया, नहीं, आपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को एक्सप्लेन भी करना है, तो यानी कि एक पूरा सिस्टमेटिक वे में लेकर आपने चलना है। द स्टूडेंट्स बिकम एक्टिव ऑब्जर्वर, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिव ऑब्जर्वर होते हैं, पैसिव नहीं होते बल्कि एक्टिव होते हैं। वो आस्क क्वेश्चंस, टेक नोट्स एंड पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ड्यूरिंग और आफ्टर द डेमोंस्ट्रेशन। द मेथड इज यूजफुल टू टीच साइंस सब्जेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड साइंस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि साइंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोलने से वर्बली पढ़ाने से कोई समझ में नहीं आती है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज़ करना पड़ता है। अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज़ करके, अब देखिए बात यह कि लैब के बिना भी ये काम हो जाता है, कि ये नहीं है कि आप बोले कि हमारे पास लैब नहीं है, ये अपरेटस नहीं है। आप डिमोन्स्ट्रेशन मेथड्स को यूज करके आप अगर आप बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। इट इज प्लान्ड इन अ सिस्टमेटिक वे, ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है, ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स प्रोसेस आर कंसेप्ट इनटू सिंपलर वन, क्लियरली डिमोन्स्ट्रेट ईच स्टेप एक्सप्लेनिंग द रेशनल लेबर बिहाइंड। यानी कि उनको क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आगे के स्टेप को समझाया जाता है। कैन बी प्रेजेंटेड टू लार्ज ग्रुप, तो ये लार्ज ग्रुप को भी वो पढ़ाया जा सकता है, हाईली इफेक्टिव होता है, स्टूडेंट यहाँ पर देख कर वो नॉलेज लेती हैं। द मॉडर्न साइंटिफिक मेथड, वो भी क्या करते हैं, वो भी डिमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू है कि जो साइंसदान है, साइंटिस्ट हैं, वो भी डिमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज करती हैं। अब जाहिर एक हाजिर का लैब वो अवेलेबल नहीं होती, तो अब सेमिनार्स हैं जहाँ पर उन्होंने कंडक्ट किए हैं, तो वो जाहिर है वो क्या यूज करेंगे, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज करेंगे। अगर वो कोई इन्वेंट करते हैं या कोई बात वो नॉलेज में अपने वो मतलब नहीं लेकर आती हैं जो पहले नहीं पता होती, या किसी की करेक्शन करती हैं, तो आप ये तो पॉसिबल ही ना होता कि आप सारी पब्लिक को आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट बार बार करके दिखाते रहें। तो इसे बेस्ट में क्या होता है कि आपने उसकी विजुअल आप वीडियो बनाकर आप सारे लोगों को दिखा दें। तो यानी कि साइंस में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि आप जैसा अभी मैंने आपको बताया कि बार बार एक्सपेरिमेंट करना ये पॉसिबल नहीं होता। तो अब ये तो नहीं होता कि एक साइंसदान कोई चीज़ इन्वेंट करता है या कोई वो किसी को मतलब बात को करेक्ट करता है, तो जो बंदा उसके पास है वो बार बार उसको करके दिखाए दे कि ये इस तरह है, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या करती हैं, जहाँ जहाँ वो सेमिनार्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाती हैं, तो वो वहाँ पर फिर क्या होता है, वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज करती हैं, विजुअल वो सिखाती हैं। इट इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड, जाहिर है यहाँ पर जो टीचर है वो मेन रोल उसका होता है। द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंगेज मल्टीपल सेंसेज इंक्लूडिंग साइट, हेयरिंग एंड टच। स्टूडेंट जाहिर है कि वो टच करते हैं चार्ट्स वगैरह को, तो
तो यहाँ पर टच वाला भी साइंस इन्वॉल्व हो गया, देखने वाला भी हो गया, और हेयरिंग वाला भी। तो यहाँ पर स्टूडेंट ज्यादा अच्छी तरह से लर्न करता है एज कम्पेयर टू दूसरा हो गया लेक्चर मेथड एंड डिस्कशन मेथड। द डिमोन्स्ट्रेशन मेथड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन, सी क्लैरिफिकेशन एंड पार्टिसिपेट इन डिस्कशन रिगार्डिंग द डिमोन्स्ट्रेशन। तो इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं? स्टूडेंट्स लर्न प्रैक्टिकली, स्टूडेंट्स रिमेन्स एक्टिव, द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एनहांसेस इंफॉर्मेशन रिटेंशन। एक होता है समझ आ जाना, दूसरी चीज होती है कि जो चीज आपको समझ आ गई है उसको रिटेन करना। हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हमें सबक याद हो जाता है लेकिन फिर सबक ज्यादा देर तक हमारे माइंड में ही रहता, थोड़ी देर बाद या कुछ घंटों बाद वो हमें भूल जाता है। तो डिमोन्स्ट्रेशन मेथड से जो सीखा हुआ नॉलेज है उसकी जो रिटेंशन का रेट है वो ज्यादा है, यानी कि जो बच्चे डिमोन्स्ट्रेशन मेथड से जो चीजें आप बच्चों को सिखाएंगे वो बच्चों को देर तक याद रहेंगी। थ्रू मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस अलोइंग स्टूडेंट्स टू रिमेम्बर एंड रिकॉर्ड। और जब बच्चे अगर उनको बोल भी जाए ना, तो जो आप उनको वीडियो दिखाई होती है, पीपीटी दिखाई होती है या चार्ट वगैरह दिखाई होती है, तो फौरन उनके माइंड में वो सारा कुछ है ना फिल्म की तरह उनके माइंड में चलना शुरू हो जाता है, तो वो बच्चे फिर इतनी जल्दी बोलते नहीं है। तो यानी कि लेक्चर मेथड और डिस्कशन मेथड से ज्यादा जो मेमोरी रेट है, बच्चों की रिटेंशन रेट है, वो किस में है? डिमोन्स्ट्रेशन मेथड में है। द डिमोन्स्ट्रेशन मेथड स्टिमुलेट स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट सवाल करती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवेलप होती हैं, एनकरेज देम टू एनालाइज इवेल्यूएट एंड ड्रॉ कनेक्शंस बिटवीन वेरियस डिमोन्स्ट्रेशन एलिमेंट्स। ये लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है तो जिस आपने कंसेप्ट लेना है। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जाहिर हर चीज का फायदा भी होता है नुकसान भी होता है। रिक्वायर स्पेशल क्लासरूम अरेंजमेंट, अब ये तो नहीं होता लेक्चर मेथड की तरह कि एक क्लासरूम चाहिए, स्टूडेंट चाहिए और टीचर चाहिए, एक मार्कर हो और एक व्हाइट बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आपने बच्चों को अगर वो सारा सिखाना है तो उनको प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होगा, अगर आपने उनको वीडियो दिखानी है तो उसके लिए प्रोजेक्टर का होना जरूरी है, अगर आपने चार्ट सिखानी है तो वो सारे आपके पास चार्ट होने चाहिए, वो अच्छे उनके कलर होने चाहिए, तो वो सारा कुछ एक प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पर चाहिए। रिक्वायर केयरफुल प्रेपरेशन एंड रिहर्सल, अब जाहिर है जो बच्चों को आपने वो दिखाना है चाहे वो वाया वीडियो हो, पीपीटी हो या फिर चार्ट हो, तो खुद पहले आपको रिहर्सल करनी है, वो रिहर्सल आप करती हैं कि किस तरह आपने आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो उसकी पूरी प्रेपरेशन करती है। अगर आप वीडियो दिखा रही हैं तो आपको प्रोजेक्टर चलाना आना चाहिए, लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना आना चाहिए, उसको फिर सारा मतलब यूज करना आना चाहिए। स्किल्ड एंड कम्पिटेंट टीचर्स आर रिक्वायर्ड, अगर है हर बंदा जो है वो प्रोजेक्टर यूज नहीं करना उसको आता, लैपटॉप यूज करना नहीं आता, कनेक्ट करना नहीं आता, तो किस तरह वो सारा यूज किया जाता है वो हर बंदे को नहीं आता। तो यहाँ पर आपको स्किल्ड और कम्पिटेंट टीचर्स चाहिए होती हैं जो सारी चीजों को सिखा सके। अब जाहिर है कि टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, एक छोटी सी बात को आप सारे वीडियो के साथ बताती हैं, फिर साथ साथ आप उसको एक्सप्लेन भी करती हैं, तो इस तरह फिर क्या होता है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर अवॉइडेड, अब जाहिर है कि यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, आप वीडियो भी दिखा रही हैं और साथ साथ उनको एक्सप्लेन भी कर रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे मौके आपको मिलेंगे जहाँ पर जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रही वो फिर क्या हो जाता है, वो इग्नोर हो जाती है, क्योंकि टीचर ने क्या करना होता है टाइम लिमिट के अंदर उसने वीडियो भी आपको दिखानी है और साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करना है, तो इस तरह कुछ जवाबदार है कि आए सवाल भी आ रहे होंगे तो हर स्टूडेंट के सवाल वो नहीं ले पाता, तो इसलिए यहाँ पर इंडिविजुअल जो स्टूडेंट होती हैं डिफरेंसेस वो अवॉइडेड हो जाती हैं। महंगा होता है, सस्ता तो ये नहीं होता, जाहिर है चार्ट पे खर्चा होता है, प्रोजेक्टर वगैरह पे। ऑल कंटेंट्स कैन नॉट बी कवर्ड, हर टॉपिक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से कवर नहीं हो सकता। अब जैसे हमने पढ़ा था बहुत सारे टॉपिक ऐसे होती हैं जो साइंटिफिक ट्रूथ होती हैं, उनके लिए आपको मतलब वहाँ पर कोई डिस्कशन वगैरह नहीं कर सकते, बहस वगैरह नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही आपको मानना पड़ेगा, तो वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज करना वो मतलब है वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और वेस्टेज ऑफ मनी होगा। तो हर टॉपिक के लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज करना सूटेबल नहीं होता, तो यहाँ पर डिस्कशन बहुत लिमिटेड सी होती है।
कल हम क्या करेंगे, इसके डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के जो एमएमसीक्यूज है वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कुछ सवाल है तो फिर आप पूछ सकती हैं। सारे टाइप में यस करके अगर कोई सवाल है तो पूछते, सारे मतलब यस करके बता दें तो फिर मैं मीटिंग एंड कर दूं। तो फिर हम अब इंशाल्लाह ताला इसके रोज क्लास, डेली क्लास हुआ करेगी। तो कल फिर हम नए टॉपिक, सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज करेंगे डेमोंस्ट्रेशन मेथड के, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो, पहले हमने क्या किया, कंसेप्ट समझ लिया है, तो कल जब हम इसके एमसीक्यूज करेंगे फिर कंसेप्ट को अप्लाई करना में आएगा कि ये जो कंसेप्ट हमने सीखा है ये पेपर में किस तरह यूज होगा। कल हम वो सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की, और फिर एक नया मेथड को लेकर हम चलेंगे। ओके ठीक ओके, फिर अल्लाह हाफिज।